दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी खरड़। यहाँ से राइट हैंड टर्न लेंगे तो आगे जाके आएगा मोहाली। मोहाली से हम लोग एयरपोर्ट रोड लेंगे और उसके बाद जाएंगे बनूड। इस टूर से मैं पहली बार आ रहा हूँ। अरे बाप रे, पानी है भाई। दोस्तों कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है। ये देखो हमारे ये भाई मिला, अभी बात हुई खड़े खड़े तो कहते कहाँ से, लुधियाना से, ये भी लुधियाना से है। ठीक है, आगे पूछा इन्होंने कि कहाँ जा रहे हो, मैंने नेपाल बोला, मैं नेपाल से हूँ। अब ये आ गए अपने कुलचे छोले और ये भाई साहब के परौठे। ये देखो, वैसे कहता मैंने तला हुआ नहीं खाना, मक्खन इतना भर के खाएगा। हालत चेक करो इन लोगों की। अभी क्या हुआ कि एकदम चलते चलते सामने मीटर पे क्विक शिफ्टर प्लस की लाइट आ गई। लाइट क्या मतलब, मैसेज आ गया लिखा हुआ क्विक शिफ्टर प्लस, पता नहीं मुझे क्या उसका क्या मीनिंग है, मुझे नहीं पता। रेड कलर की एकदम से लाइन आ गई और साथ ही में इंजन की लाइट भी चलने लग गई। वीडियो लगती है आपकी हमारी। आ रहे वाह, थैंक यू। कहाँ से हो आप लोग? हम बुलंदसर के। अच्छा बुलंदसर के हो, ठीक है। सभी भाई लोग इनको सपोर्ट करो। देखो ये, अरे वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मैंने इसे नाम दिया है बघीरा। बघीरा जिसने जंगल बुक देखी है वही उनको पता होगा कि बघीरा क्या था। ब्लैक पैंथर था जिसका नाम मैंने अपनी बाइक को दिया है। अभी क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी बाइक एकदम कम्प्लीटली रेडी है। मैंने रात में ही इसको रेडी कर लिया था पूरा, ताकि सुबह उठ के अपने को ज़्यादा हसल वसल ना करनी पड़े और एकदम से बाइक उठाएं और निकल जाएं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ही है बाइक, अपनी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब हम लोग निकल रहे राइड पे। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब पिछले 3-4 ब्लॉग में हम देखा होगा कि मैं बाइक में मॉडिफिकेशन करवा रहा था। जिस टाइम बाइक ली थी उसके बाद से एकदम से अंदर से वो कीड़ा होता है ना, काटने लग गया था कि चलो राइड पे, चलो राइड पे। तो अभी ये राइड होने वाली है, ये कम से कम 4000 या 5000 किलोमीटर की राइड होने वाली है। आज का हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आगरा का। कल हम लोग पहुंचेंगे पटना साहब। उसके बाद जैसे जैसे आगे प्लान बनता जाएगा मैं आपको साथ साथ में वो भी अपडेट करता चलूंगा। बस इतना बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत बहुत धांसू ब्लॉग आने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त हम लोग मज़ा करने वाले हैं। तो जिसने जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना यार। स्टार्टिंग में कमेंट कर दो, कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, मैं आपको मिलता हूँ बाइक पे। दोस्तों वी आर ऑन रोड। बस अब हमारा जो शिकारी है उसको ढूंढना है कहाँ पे है, दीप सिंह। सुबह 6 बजे निकलना था भाई साहब, करते 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 अभी 8 बजा दी है। अब कह रहा कि यहाँ पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कहाँ खड़ा है। वो खड़ा है, ये लो, इसको सुबह सुबह फ्यूल नहीं याद आ रहा है। नक्की का तेरे को 1.5 घंटा हो गया तो ये तेल नहीं पाया गया। अच्छा ढगड़ा लाया, आहा क्या बात है क्या बात है। झूलते निशान रहे पंथ महाराज के हैं। चलो वधिया वधिया, बड़ा जी सी पटना साहब जानदा, ईमानदारी ना दस ना तेरे हैं पटना साहब जानदा, बड़ा ही जी सीगा। चलो बस फिर वो जी सीगा तो उन्हें बुला लिया। अभी हमें बज चुके हैं 8:30। कहाँ, हमने सुबह 6 बजे निकलना था यार, और ये भाई साहब की मेहरबानी से हम लोग निकल रहे हैं 8 बजे। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो गया हम निकले हुए। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग निकलते हैं राजपुरा होके, खन्ना राजपुरा होके, शंभू बॉर्डर होके हम लोग दिल्ली के लिए निकलते हैं। बट ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट अभी वो रूट बंद है, इसीलिए हम लोग ने अभी जो अल्टरनेटिव रूट है ना वो दिया है। हम लोग यहाँ से जाएंगे मोहाली, मोहाली से डेरा बसी के लिए रोड लेंगे, वहाँ से निकलेंगे अम्बाला। उसके बाद फिर आगे पूरा रोड वही सेफ रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। दिल्ली तक आराम से पहुँच के नोएडा, नोएडा से नोएडा एक्सप्रेस वे और उसके बाद सीधा आगरा। वैसे भी सुबह सुबह के नज़ारे देखो आप, पंजाब की मिट्टी, पंजाब के गाँव की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, माइंड ब्लोइंग है, मज़ा आ जाता है। अभी सुबह सुबह इन खेतों के बीच में से ये देखो हाईवे बना हुआ है, ये देखो इस तरफ भी खेत है, इस तरफ भी खेत है। तो बहुत बहुत अल्टीमेट वेदर है, ठंडा ठंडा वेदर है, ये भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, हाँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। वेदर है ठंडा बट इतना ठंडा भी नहीं है, सफिशेंट है, मज़ा आ रहा है चला के। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा ठंड हो रहा तो हाथ ठा 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 करते रहते हैं, तो वो भी दिक्कत होती है। क्या सरसों के खेत, इस तरह भी सरसों के खेत, मज़ा आ रहा है। क्या पीले पीले फूल, इनका नज़ारा ही अलग है। और ये खेतों के बीच में से निकला हुआ जबरदस्त हाईवे। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी खरड़।
यहाँ से राइट हैंड टर्न लेंगे तो आगे जाके आएगा मोहाली, मोहाली से हम लोग एयरपोर्ट रोड लेंगे और उसके बाद जाएंगे बनूड़। ये फ्लाईओवर उतरने के बाद हम लोग आके टर्न ले लेंगे राइट हैंड के लिए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट से बाय एयर नहीं जा रहे यार, जाएंगे तो बाइक पे ही, लेकिन एयरपोर्ट रोड से होते हुए जाएंगे। भैया बुरी हालत हो गई जाम में फंसे फंसे, ये देखो आप खुद चेक कर सकते हो सामने क्या पोजीशन चल रही है। इतना जाम है, इतना जाम है, मुझे समझ नहीं आ रही कब इस रोड से निकलेंगे, कब इस जाम से निकलेंगे। ये एयरपोर्ट रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक का हाल देखो आप कैसा है। अब यही हाल रहा तो भैया कब पहुँचेंगे हम लोग ने लखनऊ पहुँचना। भैया पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, अच्छा तब भी ये हाल है। जब ऐसे पुलिस वाले नहीं होते ना और ट्रैफिक लाइट नॉर्मल चल रही होती है फिर ऐसी दिक्कत नहीं होती, जब पुलिस वाले अंकल खड़े होते हैं तो फिर ऐसी दिक्कत होती है। ये एक तरह से नया दुबई बन रहा है भाई हमारा। इस तरह से आप देखो कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो देखो क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। दोस्तों कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, ये देखो हमारे ये भाई मिला, अभी बात हुई खड़े खड़े तो कहते कहाँ से, लुधियाना से, ये भी लुधियाना से है। ठीक है आगे पूछा इन्होंने कि कहाँ जा रहे हो, मैंने नेपाल बोला, मैं नेपाल से हूँ। तो अब बताओ दुनिया कितनी छोटी है, पता लगता है ना यहाँ से कितने दुनिया कितनी छोटी है। हाँ चलो ठीक है। यार ये चक्कर समझ नहीं आया, यहाँ पे रेंज शो कर रहा है 120 किलोमीटर की जबकि लो फ्यूल का साइन आ रहा है। नहीं बाइक को समझने में थोड़ा टाइम तो मुझे लगता जाएगा, समझना पड़ेगा। ये चक्कर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सामने 120 की रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे लो फ्यूल का साइन आ रहा है, तो ये क्या गड़बड़ झाला है, समझ से परे है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट देखते हैं ये भी चक्कर क्या है। ऐसे तो मरवाएगा भैया ये, ठीक है ना बगीरा, ऐसे तो अपने को काम ख़राब कर देगा। हम मैं इस ब्लॉके में रहूँगी, हाँ जी लो जी रेंज है 150 किलोमीटर की रेंज है, और ये कह दे जी मैं तो खाली हूँ, तो वो देखो भाई दिक्कत वाली बात है। अब समझना पड़ेगा इसको कैसे सेटिंग करना है ताकि प्रॉपरली दिखाए। चलो अभी देखते चल के आगे कोई फ्यूल स्टेशन नज़र आता है तो आज का पहला फ्यूल ब्रेक करते हैं। फ्यूल ब्रेक हो गया, फ्यूल डलवा लिया। अब ये हमारे सरदार जी निकले फटाफट तो हम आगे चले क्योंकि यार लेट हो रहे हैं, अभी 10 बज चुके हैं यहीं पे। अभी हम लोग अंबाला हाईवे पे हैं, चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे, जो कि अंबाला है यहाँ से 20 किलोमीटर। अभी ब्रेकफास्ट भी करना है तो ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा अभी रुके नहीं, रीज़न क्या है कि अभी सुबह सुबह भूख लगती नहीं है तो थोड़ा रुक के ही भूख लगेगी, तो वही हमने डिसाइड किया थोड़ी देर चल के फिर रुकेंगे, फिर हम लोग मुरथल पहुँचेंगे वहाँ पर चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। हमें अभी डिटूर लेना पड़ रहा है ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट, आगे से रोड बंद है तो अब यहाँ से अंदर से घूम के जाएंगे गांव के एरिया से। एक्चुअली क्या है दीप पीछे थोड़े दिन पहले होके गया है तो इसलिए इसको रूट पता है, तो इसी को फॉलो करते हैं अभी। वैसे तो लोग और भी जा रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ से रोड निकलता है, कैसे रोड निकलता है। अब यहाँ से अम्बाला सीधा ही जाना अभी तो, अरे बाप ये क्या आ रहा है भाई, इस स्कूटर से मैं पहली बार आ रहा हूँ। अरे बाप रे पानी है भाई, चलो क्रॉस तो करना ही है। बताओ वाटर लॉगिंग यहाँ पे हुई हुई है तो लद्दाख के मज़े तो यहीं ले लिए। ऑफ रोड भी है और साथ में पानी भी है तो फुल ऑन नज़ारा है। ये है नेशनल हाईवे 44, सामने का गेट आप देख के समझ गए होंगे। हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं हरियाणा में, वैसे हरियाणा में एंटर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सामने अंबाला का गेट है, मतलब हरियाणा का गेट है। अब तो लगता है कि यहाँ पे आगे और कोई डाइवर्जन या ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सीधा सीधा निकलते जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम को ज़रा मेकअप कर लेंगे, अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी हम लोग अंबाला में हैं। कहाँ हमें 1 घंटा लगता है यार और यहाँ पे हमें 2.5 घंटे लग गए। चलो जो हो गया तो हो गया, अब आगे चलते हैं। तो अभी आगे हम लोग रुकेंगे मन्नत पे,
मन्नत पे रुक के ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर छोटे छोटा के खींचेंगे। लो जी पड़ गया पंगा, अब देखते हैं क्या बनता है। ओके हमारे लिए नहीं है दिक्कत, अच्छी बात है। क्या मौके पे उन्होंने नाका लगा के रखे हुए पुलिस वाले, यहीं पे हमने रुकना है। अब ब्रंच करेंगे, 12:30 हो चुके हैं, ना ब्रेकफास्ट ना लंच, अभी सीधा ब्रंच होगा। तो अब यहाँ पे कुछ खा पी के फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पे ना सबसे बढ़िया बात पता क्या होती है, आप अपनी बाइक अपनी आंखों के सामने लगा सकते हो, तो इसलिए जगह ही मुझे पसंद है। और खाना तो अच्छा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी दीप सिंह जी, हेलमेट बाज क्लियर करना, पहले दसो खाना पीना की है। मंगा था लो तुम दस ना, जेड़ी गल पहला बोली हुन दोबारा बोल। फिर तो ढाबे रुकन की लोड़ थी, पिछे कढ़ी चावल मिलते हैं। चलो ये भी बात सही है भाई, बात तो सही बोली इसने कि अपने लिए खर्चा करने के पैसे नहीं होते, बाइक पे एक्सेसरी लगवा लो, तेल डलवा लो, जो मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करना ब्रंच करना की करना है, कट्ठे कर लो डिलीवरी होना है। हाँ इसके बाद सीधा डिनर, रास्ते में कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं तो चाय कॉफ़ी पीता नहीं, इसमें पीनी होगी तो रुक जाएगा कहीं, पीनी है जाएगा कभी कॉफ़ी पियेंगे। अच्छा अच्छा कॉफ़ी एनर्जी है। अच्छा एनर्जी है जरूरी। ओके 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 या खुश खुश खुशी चेक कर रहे हो। अब ये आ गए अपने कुलचे छोले और ये भाई साहब के परौठे, ये देखो। वैसे कहता मैंने तला हुआ नहीं खाना, मक्खन इतना भर के खाएगा, हालत चेक करो इन लोगों की। ये देखो दोस्तों ये मज़ा होता है, सामने टेबल पे बैठे हैं और ये सामने खड़ी हैं अपनी प्यारी प्यारी बाइक, है कि नहीं मज़ा। अपनी बाइक पे भी नज़र रहती है और साथ में खाना पीना भी करते हैं। और कुछ आवे तो दस दो है चलते हैं, खिंचते नहीं गड्डी बिना रुके जाना, ब्रेक लाने का मतलब नहीं बनता। दो टाइगर उधर तैयार है, पेट भर गया भाई। सीधी सी बात है, जब पेट फुल हो ना और गाड़ी में तेल फुल हो तो फिर ब्रेक लगने का कोई चांस बनता नहीं है। तो चलो खाना पीना हो गया, अब बाइक में तेल की भी जरूरत नहीं है, आगे जाके शायद जरूरत पड़ेगी, बट अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बस ये फटाफट से निकल रहे हैं। आपका वीडियो भी साथ में आ रहा है। अच्छा वेरी गुड। आप लोग किधर से? सांगली। अच्छा आप हैदराबाद से? सांगली के ही है लेकिन हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद से शिफ्ट हो गए। ओके 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 ओके, तो अभी इधर घूमने के लिए क्या वैसे? रिश्तेदार है। ओके ओके कैथल। कैथल ठीक है, हाँ हाँ श्योर श्योर, चलिए ठीक सर। ओके जी नाइस टू मीट यू, थैंक यू थैंक यू। चलो जी मिलना गिलना हो गया, अच्छा लगता है यार रास्ते में चलते चलते अजनबियों से मिलो जो कि अपने बन जाते हैं, बहुत मज़ेदार होता है ये एक्सपीरियंस भी। वापस बाइक पे आ गए, अब फटाफट से निकलना है। पहुंच गए हम लोग सिंगू बॉर्डर पे, अब जहाँ तक मुझे सामने नज़र आ रहा है तो भाई यहाँ पे अभी भी लगता है तगड़ी बैरिकेडिंग की हुई है और रास्ता बंद है दिल्ली जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से डिटूर या डाइवर्जन कुछ दिया होगा। मैं तो सामने आप देख रहे हो जो फ्लाईओवर बना हुआ है, वो फ्लाईओवर ऊपर से होके ही जाया जाता था और वहाँ पे अब इस टाइम बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस है। ये देखो ये सब जाम आप देख रहे हो ना, ये इसी वजह से है क्योंकि मेन रोड बंद किया हुआ है। तो अब चलो थोड़ी देर फंसते हैं जाम में। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली पहुँच चुके हैं हम लोग, सामने आप देख सकते हो कूड़े का पहाड़, दिल्ली की पहचान, कई लोगों ने इसको नाम दिया हुआ कूड़ा लापास। कूड़ा लापास सुनने में कितना अजीब लगता नहीं। अब यहाँ से हमें आगे लेना है लेफ्ट नोएडा के लिए, पहले ISBT, ISBT से नोएडा, बट अब ट्रैफिक का हाल देखो, सोच सोच के वही टेंशन हो जाती है यार क्या करें क्या ना करें, दिल्ली इसीलिए आना ना मुसीबत लगता है। अभी क्या हुआ कि एकदम चलते चलते सामने मीटर पे क्विक शिफ्टर प्लस की लाइट आ गई,
लाइट क्या मतलब मैसेज आ गया लिखा हुआ क्विक शिफ्टर प्लस, पता नहीं मुझे क्या उसका क्या मीनिंग है, मुझे नहीं पता। रेड कलर की एकदम से लाइन आ गई और साथ ही में इंजन की लाइट भी चलने लगी। वीडियो वाडियो वीडियो बनाना तो भैया बाद की बात है, मेरे को तो इतनी टेंशन होगी, मैं कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे और कुछ तो सूझा नहीं, बाइक साइड पे लगाई, मैंने अभी कॉल किया है सर्विस सेंटर पे जाना में, अपने लड़के अपने फ्रेंड्स हैं ही हैं वहाँ पे, तो उनको मैंने पूछा, मैं कहा भाई ऐसा ऐसे दिक्कत है, बोलता सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराओ मत आप, कभी कभार हो जाता है, तो आप एक काम करो आसपास में कोई सर्विस सेंटर हो वहाँ पे दिखा लो। मैं कहा भाई सर्विस सेंटर तो आसपास में मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैं नोएडा में हूँ। तो बोलते आप टेंशन मत लो, सर्विस सेंटर आपके पास में ही है, उन्होंने देख के बताया तो 7 किलोमीटर दूर था यहाँ सर्विस सेंटर। मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो कहते फिर भी आप एक काम करो, अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है तो एक बार बाइक की जो है इग्निशन की जो है वो बंद करके दोबारा लगाओ। तो जैसे ही मैंने वो इग्निशन की बंद करके निकाल के दोबारा लगाई, लाइट चली गई, मैंने सुख का सांस लिया। मैं कहा ओह थैंक गॉड, बच गया टेंशन से, नहीं तो आज मैं वाकई बैंड बजने वाली थी। बट समझ नहीं आती यार, ये तो नहीं है, अभी बाइक है 600 कुछ किलोमीटर चली है, 674 किलोमीटर चली है, और एकदम से ऐसा टेंशन हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। ऊपर वाले का शुक्र है बहुत शुक्र है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम लोगों ने अपनी राइड कंटिन्यू कर दिया टुवर्ड आगरा, हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं यूपी में, नोएडा में, जिसका नाम गौतम बुद्ध नगर भी है। ये सामने आप जो गेट देख रहे हो ये है नोएडा का गेट, और ये भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, ज़बरदस्त। अब ये रोड सीधा सीधा हमें चलना है, कहीं नहीं मुड़ना, हम लोग पहुँचेंगे ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा से सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये टर्न ले लिया हमने यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, और सामने आ गया यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। चलो अब फ्यूल डलवाते हैं, फ्यूलिंग का टाइम हो गया, फुल कर दो। कार चलेगा ना? हाँ कार। 97। दोस्तों फ्यूल ब्रेक लेने के बाद हम थोड़ा सा बैठ गए यहाँ पे यार, ये भाई साहब को नींद आ रही थी, कहते जी मैंने कॉफी भी नहीं है, रिचार्ज टाइम चल रहा है, हैं रिचार्ज हो रहा है ना, बोरिंग एक्सप्रेस वे थे सीखे। हाँ ये वाइजर में क्या चेंज कर लिए भाई, शाम होगी। दोस्तों ये तो मानने वाली बात है यार, ये एक्सप्रेस वे ना ठीक है कन्वीनियंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट इतने बोरिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं, नींद आने लग जाती है। मेरी प्रॉब्लम ये यार, मैं ना तो चाय पीऊँ ना कॉफ़ी पीऊँ, मुझे रिचार्ज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रेस्ट मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन भाई सबको चाहिए कॉफ़ी, कॉफ़ी डबल वाली, वो भी डबल। ये देखो कितना बड़ा कप है दो पाउच वाले में, वाह इतने से ग्लास में दो पाउच, मतलब बिस्किट खाता है। मेरी जो नेचर है वो ये है कि ठीक अकेला हूँ तो व्लॉग कर लूंगा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब कोई फ्रेंड्स कार में साथ में बैठा होता ना तो फिर ये होता कि यार ये जो प्रीशियस टाइम है ना इस टाइम को इंजॉय किया जाए, वो व्लॉग में ध्यान कम जाता है गप्पे मारने में ज़्यादा जाता है। काफ़ी देर से बहुत कुछ चल रहा है वो मैंने शूट नहीं किया, बट अब लगता है मुझे वो शूट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये देखो दांत जो निकल रहे हैं ना ये देखो जो हरकतें हो रही है ना, ये दांत निकल रहे, देखो बिहाइंड द सीन एक वीडियो बनानी मेरी बिहाइंड द सीन जाएगा वो तो बन दी बिहाइंड द सीन एक वीडियो तो बन दी है। ये अपनी कॉफ़ी को भी ख़त्म कर ले उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से मेरे ख्याल 150 किलोमीटर रह गए, 150 किलोमीटर रह गया आगरा। मौसम ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, क्लाउडी हो गया एकदम से, सुबह कहाँ अच्छी वाली धूप थी अब क्लाउडी हो गया, अब बस क्या पता मालिक का क्या रंग है कि कैसा वेदर चलना है, देखते हैं चलते हैं मज़े करते हैं। अभी मज़े चल रहे हैं, भाई तो बैठे हैं, ये अपना रिचार्ज हो रहा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बस अब इसी चक्कर में थोड़ा सा वेट करके आगरे निकलेंगे। कॉफ़ी के साथ साथ में वाइज़र भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, बड़े लोग बड़ी बातें, हम तो भैया एक ही वाइज़र लगा के चल रहे हैं, अब ये इनकी तरह थोड़ी सेट कितना बढ़ गया देखो। हाँ, क्या बात है, ठीक है एक ये वाइजर है, अब ये क्लियर वाइजर लग रहा है साथ में, वो भी नया एग्जॉस्ट का, क्या बात है। ताजे खर्चे भाई, मोटा खर्चा सेठ आदमी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े खर्चे, लेकिन खर्चे बड़े बड़े करने हैं।
करीबन करीबन पौने घंटे का ब्रेक हो गया यहाँ पे। और ये देखो ये अभी भी फ़ोन पे लगा हुआ है, मतलब इतने कारोबार फैले हुए हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस पाँच मिनट रुक जाओ, पाँच मिनट रुक जाओ, बस यही कुछ चल रहा है। अब बाइक भी अपनी देखो क्या हालत हुई फिर बेचारे की, रास्ते में एक दो जगह पानी पुनी मिला गंदा और हालत देखो क्या हो गई। चलो वैसे देखा जाए ना तो ऐसी बाइक अच्छी लगती है, क्योंकि टूरर बाइक है ना, ऑफ रोडर बाइक है, तो ऐसी बाइक अगर अच्छी नहीं लगेगी तो और कौन सी लगेगी। ये कोई वो सुपर बाइक तो है नहीं जो फेयरिंग वाली और चमचमाती अच्छी लगती है, मेरे को तो ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यमुना एक्सप्रेस वे के टोल पे पहुंच गए हम लोग जेवर में। अब यहाँ पे देखते हैं टोल कितना लगता है, मैं तो भूल गया यार, लास्ट ईयर आया था तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 200 कुछ रुपए था, अभी देखना कितना लगता है। ये है लेन, अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है। दोस्तों डूबते हुए सूरज के जो इस टाइम कलर है ना, आप खुद चेक करो क्या माइंड ब्लोइंग कलर आ रहे हैं, जबरदस्त। हाय 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 हाय, सच में इश्क हो जाता है ऐसे कलर से, और कितना प्यारा कलर लग रहा है इस टाइम। इधर नहीं जो भी इधर देख के मजा आ रहा है ना, क्या बात है, क्या प्यारा कलर है यार, जबरदस्त। मजे चलते जा रहे हैं, अभी 6 बज चुके हैं, 6:10 हो गए हैं और 1.5 घंटा लगेगा हमें आगरा पहुंचने में। मैं तो पहले तेज चल रहा था लेकिन अभी मेरा स्लो स्लो चल रहा हूँ, एकदम मज़े लेता हुआ चल रहा हूँ। जो शाम के टाइम की ये जो ज़बरदस्त कलर आ रहे हैं ना, ये कलर आप जितना मर्जी कलर ग्रेडिंग कर लो, जितना मर्जी कलर करेक्शन कर लो, ये चीज़ नहीं बनती, जितना मर्जी आप एडिटिंग कर लो। जबरदस्त, एक नंबर वीडियो लगती है आपकी हमारी। अरे वाह, थैंक यू। कहाँ से आप लोग? बुलंद सर के। अच्छा बुलंद सर के हो, ठीक है। सभी भाई लोग इनको सपोर्ट करो, देखो ये। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू। ये क्या लेके जा रहे हो? ये स्टील है। अच्छा स्टील है, नहीं बर्तन है। अच्छा तसला, ठीक है। मेरे दोस्त को लेना सर। अरे सभी आ रहे हो, टेंशन मत लो आप। डालोगे सर तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं डलेगा। कब अपलोड होगा ये? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद? हाँ। जा रहे हो नेपाल? नेपाल जा रहे हो? सर थोड़े दिन को आ जाओ, चलो नेपाल चलते हैं। वो सभी आ गए। एंगल इसका ऐसा है कि सब जन आ रहे बीच में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके, मजे कीजिए। और धीरे चलाना, बहुत तेज आ रहे हो पीछे से तुम लोग। ठीक है ओके। चलो भाई, भाई लोग मिलते रहते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है यार इंटरेक्ट करके मिलके। यहाँ पे हम लोग रुके क्यों थे? एक तो टोल यहाँ पे रसीद दिखानी होती है, दूसरा ये देखो ये जो मैंने कल लाइट फिट करवाई थी ना, ये निकल गई। अब इसको आगे जाके फिर से सेट करवाना पड़ेगा। ये वाली इधर वाली अभी सही है, ये वाली सही चल रही है, लेकिन इधर पता नहीं क्या चक्कर हुआ यार, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि सारा कुछ खुल गया। अब जाके इसको आगरा में चेक करवाते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि जल्दी पहुंच जाए ताकि मार्केट खुली मिल जाए, ये ना हो कि कहीं मार्केट बंद हो जाए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी आगरा एक्सप्रेस वे पे। चलते चलते बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन हुई, तो ये देखो ये क्या हुआ, ये लाइट जो मैंने लगा फिट करवाई थी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये सारी निकल गई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी। ये भाई अपना शॉप, वैसे ये देखो शॉप है इनकी, हेलमेट शॉप है। ये हेलमेट शॉप अपनी बंद करके जा रहे थे, फॉर्चुनेटली मिल गए, तो मैंने इनको बोला, मैं कहा यार इसको कैसे जैसे तैसे कर थोड़ा एडजस्ट कर दो ताकि मेरी राइड थोड़ी इजी हो जाए, नहीं तो बहुत बुरी हालत है। पर ये है दोस्तों लाइट जबरदस्त, मैडॉग वाकई मैडॉग है, जो बहुत ज़बरदस्त लाइट है इसकी। अब वो ये एक लाइट ठीक है, दूसरी लाइट ये खुल गई ना, ये बहुत दिक्कत कर रही थी। तो अभी भाई हमारे ये लगे हुए हैं फिटिंग करने के लिए, तो इसको फिटिंग हो जाए तो अपना काम चल जाए। भाई दोस्तों चग्गर साहब ने जो काम किया था, पहली बार ऐसा हुआ कि वो फेल हो गया, बट चलो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वाइब्रेशन इतनी होती है बाइक में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये भाई के पास हम लोग रुके थे यहाँ पे आगरा में एंटर करते ही, तो ये इन्होंने पक्का जुगाड़ कर दिया भाई, और तो इनको बस कुछ था नहीं, तो उन्होंने बोलते ये बांध देते हैं हम लोग। मैं कहा चलो बांध दो, अपना काम चलना होना चाहिए, कल अपना पटना पहुँचेंगे, पटना पहुँच के सेट करवा लिया जाएगा इसको प्रॉपरली तरीके से। अब 8 बज गए हैं तो पूरी मार्केट तो बंद हो गई होगी, इस टाइम कुछ मिलेगा नहीं, तो थैंक गॉड जो मिल गया उसी से कभी काम चला रहे हैं। बस यही है, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि कल आराम से पटना पहुंच जाएं, फिर पटना पहुंच के इसका जो थोड़ा बहुत काम होता है ना वो वहां पे जाके करवाएंगे,
क्योंकि कल का जो सफ़र है, जो नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने वाले हो, मतलब पूरा राइड जो है 850 किलोमीटर की रहेगी, तो उसमें लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर शाम में। हमें कम से कम 14 से 15 घंटे लगने वाले हैं कल की जो हमारी राइड आने वाली है। अगला जो व्लॉग आएगा वो धमाकेदार आएगा, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करो यार। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी हो, कमेंट ज़रूर करो यार। आप कमेंट करते हो ना तो बहुत बहुत मन को हौसला मिलता है, बहुत पावर आती है कि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। जो ये ट्रैवल सीरीज अभी शुरू हुई है, ये आप देखते जाना आगे क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त इसमें व्लॉग आने वाले हैं। ऐसी ऐसी जगह इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि जिस जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने YouTube पे डाली होगी। तो चलिए अब आपको चल के होटल में मिलते हैं। लो भी दोस्तों, पहुंच गए हम लोग अपने होटल। ये अपना दीप सामान निकाल रहा है, मेरा सामान ऑलरेडी रूम में जा चुका है। ये होटल है, होटल गायत्री। मैं पिछले साल जब आया था तब भी यहीं रुका था, तो अभी भी यही होटल मिला है। सामान आ गया अपना, चलो अब रूम में चलते हैं। ये हमारा रूम, छोटा सा रूम, बढ़िया रूम, बेड तो है ठीक है, अच्छा है। ये है इसका वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, बढ़िया है, साफ़ सुथरा है यार। एक नाइटी तो निकालनी है, एक रात की तो बात है, सुबह निकल जाना है। पंछियों वाला काम है भैया, सिर्फ एक रात निकालो और फोड़ करके उड़ जाओ। अब जल्दी से चल के फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद कुछ खाना पीना हल्का फुल्का ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि सुबह भैया जो राइड कल होने वाली है ना, नेक्स्ट आप जो ब्लॉग देखोगे, ज़बरदस्त और भयंकर राइड होने वाली है। जो रूट आपने पहले कभी नहीं किया होता, जब वो आपको करना होता है तो मन में थोड़ा सा तो होता ही है ना, तो टेंशन तो होती है ना कि रोड कैसा होगा कैसा नहीं होगा। यहाँ से लखनऊ तक तो मैंने रूट किया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ से आगे जो हमने रोड पकड़ना है ना, वो मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी है, थोड़ा सा मन में है कि रोड कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जो भी होगा आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ दिलजीत सिंह, बाय।